दीवारें पेंट करवाई हैं प्रॉपर वे में, लाइट्स वगैरह लगवाई हैं। सबसे पहले जो है अम्मी अबू का कमरा बनवाया बेहतरीन तरीके से। क्या हाल है माजी? ठीक है, करियर यहाँ पे मछलियाँ लगवानी है, उन लोगों ने बड़ा जबरदस्त काम करवाया। अम्मी इसको क्या बोलते हैं? अल्लाह मेरी मामा को भी नहीं पता क्या बोलते हैं। अच्छा एक और बात यहाँ पे बड़ी अहम है, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये एक और चीज नजर आ रही है देखने में मुझे। ओहो देखिए मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। अल्लाह पाक के फजल अल्लाह पाक के करम से यार अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। नहीं सच है, जब ये देखेंगे जो चीजें लगी हुई हैं देखेंगे। हाँ लेकिन एक इनाम भी आपका, वो भी मैं लेके आया था। इसमें वैसे पैसे हैं रुपया बहुत लखा राइट, लेकिन ये लाखों टेंशन नहीं है। देखें ये देखें आप कलर शलर करवा दिया ऊपर जबरदस्त तरीके की ये चीजें लगी हैं राइट। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अपने घर का व्लॉग शेयर करते हैं। ये कोई भी दिखावे वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इसको बड़े दिल से बड़ी खुशी से ताकि दूसरे लोग इससे मोटिवेट होकर बहुत सारी चीज़ें सीखें। आज आपको पूरे घर का रैंडमली टूर कराते हैं, जिस तरह मैं रह रहा हूँ या जिस तरह घर वाले मामला हैं सारे का सारा वैसे दिखाते हैं। ये नहीं कि सफाई सुथराई की है, इंशाल्लाह आप जाएंगे देखेंगे तो आपको अंदर सारी चीज़ें नज़र आ दें। ये हमने सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये हमने बनाया हुआ है, क्या ऐसे कहते हैं लॉन बनाया हुआ बाहर, हमने पौधे शौधे लगाए हैं। यासिन भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करवाया है। आते हैं हम इंटर होते हैं सीधा घर के अंदर। पहले भी अहमद भाई आपको घर का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं बाहर, और माशाल्लाह से एक और चीज़ अहमद भाई ने दिखाई। ये लेकिन जो हमने सड़क बनाई हुई है ना अपने घर के आगे, ये सारी हमने टेक्सटाइल लगाई है, तो अल्लाह पाक ने जब दिया है तो उसको जरूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने टाटा लगा दी, बच्ची बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो आज ये घर के अंदर चलते हैं ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये बड़ा रैंडमली कैजुअल सा व्लॉग है, मुझे क्योंकि इसमें ज़्यादा मेरा जो तजर्बा नहीं है, बट ये आप देख सकते हैं ये दीवारें शिवारें पेंट करवाई हैं प्रॉपर वे में। ये घर हमने तकरीबन एक साल पहले स्टार्ट किया बनाना, जब मैं फ्रीलांसिंग के आप समझ लें कि पूरी पुरजोश चोटी पे था, मतलब ज़बरदस्त ऑर्डर शॉर्डर लग रहे थे, तब से ये काम स्टार्ट किया हुआ एक साल पहले। और मैं कल रात दुबई से रात 3 बजे मेरी फ़्लाइट थी, मैं वापस आया हूँ, तो फिर ये कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कहा यासिन भाई आज हमें वीडियो बनाते हैं। एनीवेज आप इनको पूरा स्ट्रक्चर दिखाएं और यहाँ से लेके आएँ, ये दिखाएँ ये सारे मामला, जिस तरह घर वाला माहौल होता है गाँव का मामला होता है वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। दीवारें पेंट करवाई हैं प्रॉपर वे में, लाइट्स वगैरह लगवाई हुई हैं। ये साथ इनको पड़ोले दिखाएँ जिसमें हम दाने वगैरह डालते हैं, तो गंदम आ गई है, ये वो पड़े हुए हैं। साथ एक और वाशरूम है, लाइक हम क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में हर बंदे ने, फिर आपको पता है ताए चाचे मामे सारे होते हैं, तो उन लोगों ने अलग अलग वाशरूम बनाए होते हैं, इनका अलग बना हुआ है मेरे ताया जी का। आप इनको ये दरख्त बताएँ दिखाएँ किस तरह ज़बरदस्त लग रहा है, और ये बड़ा एक इस पर लाइटिंग करेंगे हम इंशाल्लाह जल्द ही, ये बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। और आगे चलते हैं हम घर स्टार्ट होने से पहले, अभी ये सिर्फ बाहर के सिस्टम है बाहर के मामले हैं, अब घर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है ना अम्मी और अबू का रूम बनाया वो दिखाते हैं आप। माशाल्लाह से ये जो बच्ची है ये मेरी कज़न की बेटी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी गुड़िया है ठीक है। आइए चलते हैं, ये अबू अम्मी का जिसे हम कॉरिडोर बोलते हैं, और हम अगर उर्दू में बात करें तो इसको कहते हैं बरामदा ठीक है, जिसे इंग्लिश में कॉरिडोर कहते हैं। बरामदा बनाया हुआ है प्रॉपर वे में, यहाँ पे लाइटिंग का पूरा निज़ाम है, पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो मैंने बनाया वो सबसे पहले अबू और अम्मी का रूम बनाया है। अभी तक हमने कोई भी फर्नीचर वाला सिस्टम नहीं करवाया, सिर्फ एक स्ट्रक्चर और डिज़ाइनिंग पेंट लाइटिंग और सीलिंग पैलिंग सारी कंप्लीट हो गई है, और इलेक्ट्रिशियन का सारा काम कंप्लीट हो गया, और पेंट शेड भी मुकम्मल हो गया। तो फिर हमने ये बना हुआ है, बिल्कुल आप दिखाएं इसी तरह पड़ा हुआ है। ये वैसे बेड मैंने अपने लिए बनवाया था, लेकिन अबू लोगों के रूम में रखा हुआ है। हमने अभी कोई भी फर्नीचर का स्ट्रक्चर कोई भी डिज़ाइन अभी नहीं करवाया राइट। आप देख सकते हैं लाइट शाइट लगवाई है, पूरी सीलिंग वगैरह बेहतरीन अंदाज से करवाई। तो सबसे पहले जो है आपको पता है पेरेंट्स की सब कुछ होते हैं, सबसे पहले जो है अम्मी अबू का कमरा बनवाया बेहतरीन तरीके से, और एक छोटा सा सेटअप था उन्होंने कहा था हमारे लिए बनाना है, वो बनाने के बाद आ जाए हम चलते हैं उस घर में इंशाल्लाह। वो जो हमारा स्टार्ट में बिल्कुल आप समझे जीरो पे था। अहमद भाई आपको दिखाएंगे यहाँ से स्ट्रक्चर छोटा सा, ये सामने वाला जो घर है हम डायरेक्ट अब उधर चलते हैं, आइए देखते हैं। ये सबसे पहले आप देख रहे हैं वो मेरी माँ जी बैठी हैं, वालदा साहब सामने बैठी हैं माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम हाँ जी, क्या ठीक है? अच्छा ये आपको बाहर से पहले अहमद भाई स्ट्रक्चर दिखाते हैं सारा मामला ठीक है। बिल्कुल रुपये लगे हुए हैं यहाँ पे डॉलर, ये तो फ्री लांसिंग जो है मैं कर रहा था तब मामला, अब तो माशाल्लाह बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर अहमद भाई दूसरों का घर है काइंडली ना दिखाइएगा, आपको पता है मामला गड़बड़ हो जाते हैं। चलें आइए आपको पहले दिखाते हैं इसको, अगर हम पंजाबी में बोलें या उर्दू में इसको बोलें, इसको बोलते हैं खुरा, जिसे कहते हैं जहाँ कपड़े वगैरह धोने होते हैं ठीक है। सबसे पहले ये बनाया, और ये
ऊपर से महमूद भाई दिखा देगा बिल्कुल। वो कहते हैं ना एक गांव वाला माहौल है, देखें वो हमने ना जो है पंखा लगाया उसको भी हमने ढंपा हुआ है सारा मामला रखे हुए हैं, ये हमने वो लगवाया हुआ बेसन वगैरह। आइए सबसे पहले कहते हैं पूरे घर में से सबसे पहले हम उसको वाशरूम दिखाएँ, जिस घर के वाशरूम अच्छा ना समझो वो घर अच्छा। आइए आपको पहले वाशरूम हम विज़िट करवाते हैं सबसे पहले, ठीक है? और आइए देखिए क्या ज़बरदस्त माहौल, क्या ज़बरदस्त देख रहे हैं, मतलब सही रुपया लगाया हुआ है यहाँ पे, एयर कम्बोर्ड भी लगाया हुआ है, इसके अलावा फ्लश भी है और बेहतरीन तरीके के यहाँ पे आप देखें ये कट बनवाए हुए हैं प्रॉपर वे में, और बड़ा एक ज़बरदस्त वे में पूरा लाइटिंग स्ट्रक्चर और साथ एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है सारी चीज़ें। इसके अलावा दीवारों पर आप देख सकते हैं हर जगह बेहतरीन तरीके से पत्थर लगवाए हैं ताकि कल को पेंट करवाना ना पड़े, एक बार ही चला। आज ही चलते हैं, ये बाहर का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, शीशा वगैरह लगवाया हुआ है, तो चलें अंदर चलते हैं जी सबसे पहले ये, इसके बाद आ जाए सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाते हैं, ये बढ़िया शौक था यासीन भाई का कि यहाँ पे मछलियाँ लगानी है, उन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम करवाया। पिछले दिनों एक और भी बड़ा मसला आया, कल जो था ना मामला यासीन भाई पंखे बंद कर दो शोर आएगा इसका राइट, और इसका भी पंखा हम बंद कर देते हैं, नहीं ये ठीक है। अच्छा हम आपको पहले दिखाते हैं हमारी जो मछलियाँ थी ना, ये कल तक तो ठीक थी, यासीन भाई ने अबू को कॉल की थी बट पता चला कि आज ये कुछ मछलियाँ थी हमारी अंदर ही मार गई, हम इंशाल्लाह मछलियाँ भी चेंज कराएंगे। ये आप देखिए, आप इसको भी बेहतरीन तरीके से देखें ज़बरदस्त, और नीचे हमने एक छोटी सी अलमारी बनवाई हुई है, यहाँ बकेट में हम कुछ चीज़ें रख सकते हैं और साथ ये। अच्छा इसके साथ ही ये मछलियाँ वाला लगाने के बाद साथ ही हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है। आइए, अच्छा एक और बात आपको बताता हूँ, किचन जो है ना हमने गोरों वाला बनवाया, ठीक है माँ जी आप भी आएँ किचन, किचन में ना आप ऐड हो जाएँ, ये किचन जरा ना हमारा जो पहले मामला था वो बगैर हमारा समझें सिस्टम सीधा सीधा था जिस तरह आता है। माँ जी सबसे पहले ना ये बताएं किचन कैसा बना, इधर करके दसो इधर बहुत बेहतरीन बना, कैसा सही है सब, सही लगे ना पैसे बहुत ज़्यादा। चले आपको पहले किचन दिखाते हैं, अहमद भाई आपको सारा रैंडम भी कराएंगे, देखिए सबसे पहले एग्जॉस्ट फैन ये अलमारियाँ बनवाई हैं, आप ये देखें सबसे पहले जो अलमारियाँ हैं ना ये आप समझने के सबसे जो एक मिनट ये पंखा वगैरह भी चल रहा है ये देखें ये बस ठीक है। आप देखें जो मैं देखता था अक्सर हम आर्टिकल लिखते थे कहाँ पे भला किचन पे, मतलब हमारे जो रैंडमली हो रहे थे तो वो होम इम्प्रूवमेंट पे आर्टिकल लिखते थे, तो वहाँ पे गोरों के जो किचन थे ना बड़े ज़बरदस्त थे। आप देखें हमने यहाँ पे किचन के अंदर ही हमने ये आप देखें फिल्टर वाटर कर लगाया हुआ है अंदर के, ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े, अब अल्लाह पाक ने पैसे दिए हैं तो ज़रूर उसको जो है ना यूज़ करने चाहिए और अल्लाह की नियमतों को आपको भरपूर तरीके से मुजाह भी करना चाहिए। तो यहाँ पे फिल्टर लगा दिया, साथ फिल्टर की टूटी भी लगी हुई है, बेसन लगा पूरा प्रॉपर एक पत्थर वगैरह लगाया हुआ है, ये देखिए किस तरह के मामला, ये बेहतरीन लकड़ी है। इसमें मैं एक और बात ऐड करूँगा, यहाँ पर अली भाई हैं अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, और उन्होंने भी बड़ा भरपूर साथ दिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया, कई कई नहीं बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने हमारी हेल्प की, वो आप समझें जो डिज़ाइनिंग के हवाले से बड़ी उन्होंने जो है ना मेहनत की, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनके कारोबार माल जान में बरकतें फरमाए। इसके अलावा ये इन लोगों ने, अच्छा मुझे ना कुछ ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही काम कराता हूँ, बस जुमे के जुमे मैं जब जुमा पढ़ना आता तभी मैं आके मिलता हूँ, ये ना कोई बनाया हुआ है इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो धुआं है ना धुआं ऊपर चला जाता है इससे, हमें इसको क्या बोलते हैं अल्लाह, मेरी मामा को भी नहीं पता क्या बोलते हैं, अम्मी कहती मैंने भी नहीं पता कुछ नहीं कहते, यहाँ पे चूल्हा लगेगा, चूल्हा भी लगा नहीं है, और आप बताओ इसको क्या कहते हैं, कोई पता है पता। नहीं अम्मी मेरी भी नहीं पता बेचारी सीधी जी। सो ये कुछ है ऐसा, इससे बड़ा फायदा होता है यानी कि यहाँ पे ना धुआं नहीं आएगा और ये सारा जो मामला था छत की दीवारें वगैरह खराब नहीं होंगी, यानी फिर हमें बंद कर दो ये शोर आएगा अभी लोग राइट। ये देखे किचन जो है सारा जबरदस्त है, नीचे भी बिल्कुल जबरदस्त हमारे गले बनाए हुए हैं राइट, लेकिन हमने अभी तक कोई भी सामान वगैरह या कोई भी चीजें परचेजिंग वगैरह नहीं की, वही मामला जो हमने लगाया हुआ है वो बिल्कुल ऐसे कैजुअल है राइट। ये देखें इस हर जगह एक अलग अलग बकेट बने हुए हैं अलग अलग, यानी कि आप समझ लें कि जबरदस्त किचन जो लगता था ना मुझे यहाँ पे नीड है वो जरूर हमने बनाई है। इसके बाद हम आपको बरामदा जिसको उर्दू में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कॉरिडोर, वो आपको विजिट करवाते हैं, जिस तरह चीज़ें पड़ी हुई हैं कोई नहीं टशन मशन किए जनाब, हमने उठा के चीज़ें रख दिया कैजुअली बनाया, और स्पेशली मैं अकेडमी से इसी ब्लॉग के लिए आया था क्योंकि मैंने बड़ी देर पहले सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन जब कम्प्लीट होगा आइए सारा आपको दिखाते हैं, अहमद भाई आगे आइए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं,
ये देखिए क्या जबरदस्त है, मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ चीजों को देख के। ये देखिए क्या जबरदस्त दीवार बनी, अल्लाह जानता है इन्होंने लगाया क्या क्या सीन है, क्योंकि मुझे ज्यादा इन चीजों का इलम नहीं है। देखिए जबरदस्त बकेट बनाए हुए हैं साथ, देख रहे हैं ये सारी चीजें। अच्छा मुझे एक और चीज नजर आ रही है देखने में, ओहो देखिए मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। हो हो मेरी जो है ना कॉपी मिल गई है, ये मैं जब पढ़ता था किसी सेमेस्टर की होगी आई थिंक, ये सारी चीजें देखते कितने बड़े बड़े गले बने हुए हैं। वैसे इसको एलईडी दीवार या एलसीडी वॉल बोलते हैं, एलसीडी वॉल इस तरह सात सोफे पड़े हुए हैं बेहतरीन, और लाइटिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। सीलिंग पैलिंग करवा दी एक बार ताकि एक बार ही जान छूट जाए ये रंग रोगन से, राइट। आज आपको पहला कमरा विजिट करवाते हैं, और ये कमरा है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ इंशाल्लाह मेरे बड़े भाई नासर हैं, उनकी इंशाल्लाह शादी होगी, उनको यहाँ शिफ्ट करेंगे। आप समझ रहे हैं कि इधर मेरा कोई तल्लक नहीं, बस ये है कि बनाना था ये वो घर है जहाँ पे हम शुरू से छोटे होते रह रहे हैं, राइट। अब मम्मी का कमरा और बरामदा सारा कुछ डिजाइन कर दिया, ये नासर भाई का, अभी कुछ भी नहीं लिया हमने फर्नीचर वगैरह क्या ली। अच्छा एक और बात यहाँ पे बड़ी अहम है, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी सबसे अहम, आप समझ लें कि सबसे जो महंगी तरीन, मुझे तो यही सुनने में आया काटा कि जो सबसे महंगी और सबसे ज़बरदस्त और सबसे यूनिक चीज़ है वो ये अलमारी है। और ये देखें आप मेरे अबू लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं, और साथ देखें ये हमारे चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ। देखें ये बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें ये वालदा के पड़े हुए हैं, लेकिन ये अलमारी मैं कहता हूँ ज़बरदस्त, इस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ, लेकिन जो सबसे मुझे लगती थी ना प्योर चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है वो यहाँ पे हमने लगवाई है। दीवारों पे भी हमने पैलिंग वगैरह करवा दी है, ऊपर आप सीलिंग देख सकते हैं, लाइट शाइट ज़बरदस्त अंदाज में, और साथ में बेहतरीन तरीके की हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करवाया, स्विच वगैरह सब उमदा, एसी की वायरिंग है वो, और साथ इस तरह सेम हम असल में हमारा ताल्लुक गाँव से है, जिस तरह है सेम उसी तरह हमने कमरे डिज़ाइन करवाए वगैरह की सारी चीज़ें। अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ, जब फ्री लांसिंग के मैं आप समझे 6 माह स्टार्ट हुए थे तब मेरे पैसे आने शुरू हो गए, तब मैंने इस घर को प्रॉपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाया था, राइट। अच्छा आगे आते हैं, ये सेम भी है ऐसे ही है, जिस तरह दूसरा कमरा है उसी तरह ये सेम कमरा है, इसकी भी बेहतरीन ये सेफ अलमारियाँ। और एक बात और मैं आपको बात बताता हूँ, वैसे बतानी नहीं चाहिए लेकिन बता भी देनी चाहिए, इसमें कोई इतनी कोई वो वाह यार बात नहीं है। वैसे मेरा प्रॉपरली जो मेरा अपना माइंड है, इंशाल्लाह भाई की शादी भी होनी है और इंशाल्लाह मेरी भी होगी एक दिन, अल्लाह खैर करे हो ही जानी एक दिन, बट यह भाई का भी इंशाल्लाह यही मैंने सोचा कि सामान वगैरह नहीं लेना, वैसे समझते हैं हम जो जहेज है वो एक लानत है, सो इसीलिए सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन की हैं, खुद सारा कुछ बनवाया, आगे भी फर्नीचर वगैरह खुद ही लेंगे, सारी चीज़ें इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस चीज़ें मैं कर सकता हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे इस्तेदाद दी है तो मैं खुद ही सारी चीज़ें बाय करूँगा खुद ही, हमने आगे वाले घरों से किसी से कुछ नहीं लेना। और लेकिन रिक्वेस्ट है अल्लाह करे जल्दी शादी हो जाए, और ये एक प्रॉपर था जिस तरह एक गांव वाला माहौल होता है प्रॉपर, इस तरह से आपको मैं छत पे भी लेके जाता हूँ। और अभी ये सिर्फ भाई का घर है, भाई का घर बनाया बड़े भाई का नासिर का, तो इंशाल्लाह जल्द ही आप देखिएगा उनकी शादी भी हो जाएगी। जिस दिन हमने फर्नीचर वगैरह फिट किया, चीज़ें फिट की, मैं दोबारा एक ब्लॉग बनाऊँगा, ये ब्लॉग बनाने का वो मकसद है, मैं छत पर लेके जाने से पहले आपसे शेयर करता हूँ, ये ब्लॉग बनाने का ये मकसद है। आप देखिए सिर्फ एक दो वर्ड हैं जिसे हम बोलते हैं गेस्ट पोस्ट, रिजक अल्लाह पाक की ज़ात ही देती है बेशक, लेकिन हमें जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, राइट, लेकिन उस पर अल्लाह पाक का फजल करम होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन देखिए दो वर्ड जिसे आप ऐसे कैजुअली समझते हैं गेस्ट पोस्ट और मामला बदल जाए, ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन बैड कमेंट वाले अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नीचे लाइनें लगा लेंगे, वो करते रहें यार, थोड़े ना करो और ज़्यादा करो, ठीक है। आप लोग ही तो वो बब्बर शेर हो जो मुझे और जो है ना बूस्ट मिलता है मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के, और मुझे किसी कोई भी मुझे कुछ भी कह दे मुझे कभी बुरा नहीं लगता, और मैं सुकून से देखता रहता हूँ चुप करके, राइट। अगर मैं ये मामला मेहनत करके अल्लाह पाक के फजल अल्लाह पाक के करम से यार अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। यासीन ये बताओ सबसे पहले पाकिस्तान है ना बड़ा मसला है, रुपये कितने लाख ने काट दी? तकरीबन 50 से 60 लाख, 50 से 60 लाख रुपया मुझे लगता है इससे ज़्यादा लगे, ये वो आए जो तुम्हारी आंखों के सामने हैं, जो मामला आंखों के सामने, बाकी वो जब मैं फ्री लांसिंग कर रहा था तब 14-16 लाख तब लगा था जब इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाया इंटीरियर। अच्छा इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ ए माम झूठे नहीं खमे जी के यार झूठ के नहीं लग गया सच है? नहीं सच है, जब ये देखेंगे जो चीज़ें लगी हुई हैं देखेंगे। हाँ लेकिन अच्छा एक और बात यासीन, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मैं ना इसका किसी भी तरह से आप समझे कि सबसे जो अहम चीज़ है ना वो इंसान का वक्त है, पता है? बिल्कुल है, पैसा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, कपड़े आ जाते हैं, मोबाइल आ जाता है, चीज़ें आ जाती हैं, बट सबसे ज़्यादा जो अहम है ना वो है वक्त,
जो आपने इधर इन्वेस्ट किया ना, मैं उसका कभी भी देने दे नहीं सकता, आप समझ रहे हो ना। और वो जो खलूस, वो जो मोहब्बत, वो जो आपने अपना समझ के, मैं कभी नहीं दे सकता। लेकिन ये वीडियो इसी तरीके से अपलोड हो यासीन, मैं अकेडमी से माइंड बना के आया था, इसलिए आपको साथ लेके आया मैं। इस ये कमेंट मैंने आप ज़रूर इसको यासीन को मैंने, अल्लाह पाक इसके रिज़्क में, इसके मालो जान में, इसके इंशाल्लाह ये शाना बिशाना ही नज़र आएगा। वैसे एक और बात यासीन, यू आर अ लकी मैन, मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जो है ना लकी हैं। और यासीन मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ही आपके साथ गले मिल के आपका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इसके अलावा एक इनाम भी आपका, वो भी मैं लेके आया था। इसमें वैसे पैसे हैं, रुपया बहुत लखा राइट, लेकिन ये लाखों हों कितने भी हों, इसकी जो है ना वो मैं फिर कह रहा हूँ मैं दे नहीं सकता, लेकिन एज अ गिफ्ट के तौर पर राइट, ये आपका इनाम और बहुत शुक्रिया। ये बंदा वो है जिसने अकेडमी में भी सारा रंग करवाया, आप समझ लें अकेडमी के स्ट्रक्चर में, इंटीरियर में। मैं कभी व्लॉग बनाऊंगा इस पे, फिर मैं आपको दोबारा इसके वहाँ भी इंशाल्लाह इनको इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये घर आते रहे, आज हमारा जो बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मैं आपको और बात बताता हूँ, जब हम पैदल आ रहे थे, सड़क पे थे और मैं पैदल आ रहा था, बता रहे थे सर मेरा इधर इस तरह पेट्रोल ख़त्म हुआ, मैं इधर इतना दलील हुआ, इधर इतना दलील हुआ, तो मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ें कभी मैं कम्प्लीट नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह एकेडमी में भी आप साथ रहेंगे, लेकिन जब तक मैं हूँ इंशाल्लाह हम कनेक्शन में रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी एक और दो चार बातें हैं मेरे पास आपके लिए, प्लान है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे आपका फिर अगेन बहुत शुक्रिया। और ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कर सकते ना साथ, कर सकते है ना, कर सकते हैं, ए ना इनको मसला है, इनको मसला है, इनको मसला लगता है, ये मेहनत नहीं करते या कोई ना कोई ऐसी चीज़, आप पजल हो रहे हो वीडियो के लिए, कोई ऐसी मसला नहीं, हम ऐसे ही अपलोड कर देंगे। ये वैसे आना नहीं चाह रहा था साथ में आना नहीं, तो वैसे ही चलें, फिर भी बहुत शुक्रिया। आज हम आपको छत पे लेके चलते, तो आज छत पे चलते हैं, हम आपको छत पे लेके जाते हैं, छत वाला माहौल भी। ये स्टेयर्स का बड़ा शौक था मुझे, ये जबरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त पत्थर वगैरह भी लगाया हुआ है राइट। आज हम छत पे चलते हैं जल्दी जल्दी, शाम भी पड़ रही है। और मैंने आपको कहा था ना, मैंने जो है ना ऐसे ही व्लॉग बनाना था, बिल्कुल तैयारी नहीं की, ये चीज़ें साफ कर दें, देखें ऊपर ऐसे ही चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं भी आपको पता है उधर था दुबई वापस आया हूँ, चीज़ें मैंने भी नहीं देखी, ऐसे ही व्लॉग, जो चीज़ प्योर होना उसी तरीके से अपलोड कर दें राइट। जो ऊपर छत देखें, पहले छत कचियाँ सी साड़ियाँ अलहमदिल्ला, बट अब अलहमदिल्ला पक्की बन गई, अब कोई टेंशन नहीं है। देखें ये देखें आप, कलर शलर करवा दिया ऊपर, ज़बरदस्त तरीके की ये चीज़ें लगी हैं राइट। आगे आ जाएँ आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें, वो देखें चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो फ्लैक्सीज पड़ी हुई हैं, वो हमारी पुरानी चीज़ें, और शायद टंकी लगाई हुई है, सारी चीज़ें जिस तरह हैं उसी तरह। बट मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ तो सच्ची आप भी कर सकते हैं राइट। लेकिन बात है मेहनत की, बात है यकीन की, और बात बार बार एक ही काम करने, ये नहीं कि आज किया तो कल छोड़ दिया फिर मसले ही होंगे राइट। आगे चलते हैं जी, क्या हुआ यार, आगे आपको वैसे एक और स्ट्रक्चर इधर से दिखा सकते हैं घर का। आया मैं थोड़ा सा इसको, इनको ये चीज़ दिखा दूँ बस, वो वाला साहब बैठे, ये एक प्रॉपर बाहर का सीन था, इनको दिखा दें बस। तो आप लोगों ने सारा देख लिया, वैसे हमें एक और चीज़ रहेगी, इनको वो पड़ोला भी दिखाएं, हमारा इधर पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम दाने वगैरह रखते हैं, और ये आप देख रहे हैं, और साथ हमारा पंखा पड़ा हुआ है नीचे, जिस तरह आप लोगों का होता है। आप यकीन करें जिस तरह आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह मैं गुजार रहा हूँ, पैसे आप ही जान फिर भी वही चीज़ें देखें, वही सारे मामला हैं, वही सब कुछ चीज़ें। व्लॉग बनाने का मकसद यह था सिर्फ आपको मोटिवेशन मिले, आपको वो चीज़ मिले सीखने को करने को, ये नहीं है कि ये दिखावा है, अगर दिखावा भी है तो यार आपा कुछ किया ही है ना, मेहनत ही की ना, कोई इन्हें मतलब माड़ी गलते नहीं। सो बात यह है ये सब दिखाने का, कि शायद कोई लाख बंदा वेंदा पे, कोई दो बंदे ही बंदे तो पुत्र बन के काम कर लें, दो बंदों की ज़िंदगी बदल जाए, एक ही बदल जाए, आप समझ रहे, आपका विजन क्लियर हो जाए। मैं बार बार कह सकता हूँ यार, मैं पिंड चो उठ के बंदा, मतलब आप समझ लें जीरो लेवल पे भी अगर मैं कर सकता हूँ यार, आप भी कर सकते हैं, मतलब आप देखें मेरे कोई 10 उंगलियाँ तो नहीं है इस हाथ की, या इधर 15 उंगलियाँ, सब चीज़ें सेम है। फिर बार बार व्लॉग बनाने का ये मेरा वैसे शौक था पर्सनली, कि ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हों तो मैं आपको दिखाऊँ। अब आप पास्ट देखिएगा, पास्ट की सारी तस्वीरें, वो सारे रोले पास्ट की देखिएगा, उसके बाद आप अब देखिएगा अब क्या हाल है। इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। वैसे भी मैंने दुबई में वो सेमिनार अटेंड किया नास समिट, मैं वहाँ पे एक जो है फीमेल, मैंने उनकी पूरी स्टोरी सुनी तो मुझे पता चल गया कि इंसान एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर सकता है, और इंसान एक बंदा पता नहीं क्या कुछ कर सकता अगर उसको पता चल जाए कि वो चीज़ क्या है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान सबसे बेहतर, आप पता है 8 मिलियन, मतलब आप समझें कि 80 लाख इन स्पीशीज़ में से आप सब ना लफ्ज़ है, लेकिन हम वो कहते हैं ना फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा।
इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।